जो भाई आम पाखक आसिक आम सह मान आम सह पाखक आसिक आम सह सहायतार हाथ बढ़े से आज जमी सरकार है आज हाथ बढ़ाऊ कहीं आसुना कौन एत सब न्यूज चैनल मानने से मुख्यमंत्री महोदय देखिपार ना देखुना आम कौ सरकार को आम आक्षेप कर चाहूँ एत दिन है भी कोर्ट कोर्टर भर्डिक्ट आसी सारे 18 तारिखर अथच मैंने लोकों मुख्यमंत्री आम भी मना करूँ कि लोकों मुख्यमंत्री से कहपर खाली कथार नुहे जोबले कम परिणत होदी से आम पाखे आसिक आज से मानने विरोधी दल नेता बेले जमी आम पाखक आसिक आम पेठी था पुड़े कहते आम अच्छू ठीक से हीपरी आज भी से मीडिया मध्यम देखिपार ना एत दिन है ये धंदा चली तो आसिक आम कहीं कहूना ना मुझ तुम शेष निष्पत्ति आमर आज्ञा शेष निष्पत्ति यथाशीघ्र 20,000 निजुक्ति पूरण कराऊ प्रथम जी सिलेक्टेड होती जो ड्राफ्ट लिस्ट मेरीट आसान आग दि जाऊ जो नोटा लिखित आकार प्रमाण मान लिखित आकार बाहर कर पदवी न मैंने किसी मैंने लिखित आकार न मिली आम कौन जगह को हटू ना जेपर्यंत तो आमको आम कार्य को त्वरावित न कर आमको मानते से लिखित आकार जन सरकार सहित सब कथ सरकार सरकार कहते पुराण हम 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 आज हम कल हम कौन आज कल आम के वेट करूँ आम धर्य ना आम 6 मास गोटे वर्ष अलरेडी होगलानी अगस्ट को गोटे वर्ष हो सरकार सब जानते सरकार सब जानते अलरेडी आम लिस्ट प्रिपेयर होता हाईकोर्ट अर्डर देते से लिस्ट को पब्लीश करने तो ये डेरी कौन हो कौटी अटकी आम कम शीघ्र आमको निजुक्ति दिंतु आम ना हटू ना सरकार विभिन्न परीक्षा देखिए जगह को आसलु लास्ट गोटे परीक्षा अच्छी भगवान नौ सरकार नौ धैर्यर परीक्षा हाँ विरोधी दल थी आमको आसिक साहस देखे करदेबू आमर यही आम द्वारा प्रोब्लेम से आज जो प्रोब्लेम सी सरकार को आसिले सब जिन सेम दिन पर दिन गड़ी चलू सरकार पर सरकार आसूँ आम प्रोब्लेम सल्व हो लास्ट परीक्षा अच्छी सी सरकार देखुं मतलब भगवान देखुं धैर्यर परीक्षा आमर आर्यर परीक्षा भी आम पास करूँ सीट एंट्रान्स पास कलु सीबीटी रे पास कलु ओटी देलु एवं लास्ट धैर्यर परीक्षा आम पास कर देखेबू आई बसिक रही आम ये जीवन थी आम ये बस रही के जल्दी से हाईकोर्ट निर्देश मानुं से आम देखु आ देखू मुझे कहवाक चाहूँ देखूँ सरकार विगत दिन में जो चंचकता करते योजना भित्तिक कर दे जो निजुक्ति प्रक्रिया को सेटा आगे चुक्ति भित्तिक हटेदे कंट्रेक्चुअल हटे जितेबाला करदे यहाँ योजना भित्तिक तो निश्चित भाव में देखूँ योजना भित्तिक कले दुईट योजना केन्द्र सरकार को योजना और राज्य सरकार योजन दरमा मिलू निजुक्ति प्रक्रिया 8 वर्ष अटकी रही सी भी गोटे दुखर कथा ता सहित सबुठ दुखर कथा होटा आपण मैंने प्राथमिक शिक्षा को अवहेला कले हेबना गोटे सिक्यूरीटी गार्डर जी दरमा एम को भी सेमती ता सहित 8 वर्ष निजुक्ति ना तेणु आम समस्ते चाहिबा जे जमती निजुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित हो गार्डियन माने जो माने अच्छा से भी आह्वान करते समस्ते एक हूँ ये सरकार विरोधी नुहे ये आम आसचु व्यवस्था परिवर्तन यथाशीघ्र प्राथमिक शिक्षा प्रति गुरुत्व दि जाए एम निजुक्ति आउ जो रेगुलराइजेशन करवा नियमित कर प्रक्रिया को त्वरान्वित कराऊ आईटा विगत दिन में जो विरोधी दल रही है जे बर्तमान सरकार अच्छा सी भी कही तेणु आम कार विरुद्ध नुह मु गोटे आसी न्यूट्रल पर्सन हिसाब से समाज व्यवस्था बदल जदि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था बदल ना सब प्राइवेटाइज हो गला सबुटी मैंने देखो पैसा कोटि कोटि टाँग खर्च हो मानने विद्यालय कि गुणात्मक शिक्षा न दिजिव तेल केमती हम सहीटा कौच ठीक कथ कहते हैं शिक्षक होना शिक्षक हाबाई धारणा बसिले 8 वर्ष आप भावना ये अन्याय है दाबी एति जे सरकार जानी विरोधी थिला बेले भी जानी जे त्वरान्वित कराऊ निजुक्ति प्रक्रिया 8 वर्ष है शिक्षक निजुक्ति हो पारिना प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पूरा भुशुड़ा स्थित तेणु निजुक्ति प्रक्रिया को त्वरान्वित कराऊ ता सहित आउ गोटे जिनस मुझे कहली रेगुलाइज कराऊ जेहेतु डबल इंजन सरकार अच्छी मुझे भावुँ किसी प्रोब्लेम हम ना सब राज्य में बदलू कहीं आप जो योजन दौरान से योजना को सर्वशिक्षा अभियान तेने कर 10-12 हजार जड़े गोटे भद्रक पिला जाकि मलकानगिरी पढ़े
ଆଉ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟର ପିଲା ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼େଇବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ କି? ତୁମେ ନିଜେ ଭାବୁନ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୈଫତ କେତେବେଳେ ନେବା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ, ମୋ ନାଁ ଅନିତା ବେହେରା। ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଲା 20,000, ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ତାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସିଛୁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କହିକି କେତେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତାପରେ 20,000 ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ 20,000 ପୋଷ୍ଟ ଆଣିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେଇଟା ଫସିକି ରହିଲା, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସକାଶୁ। ତାପରେ 20,000 କ'ଣ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନରୁ 20 ଦିନ ଦିଆଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ଜଏନିଂ, କେଉଁଠି ଆମର ଅଟକିକି ରହିଛି, ଆମର ଫାଇଲ୍ ଆମର ଅଟକି ରହିଛି, କେଉଁଠି କାମ ଅଟକିକି ରହିଛି, କେଉଁ ନା CM କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ନା ଓସେପା, ନା SME, କେହି ଆମକୁ ମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମକୁ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ ଆମର ଉତ୍ତର ଦାବି ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେ କେବେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କେବେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବାରମ୍ବାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ମାନେ ସଂଘ ଯାଇଛି, ଏଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗରୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି, ଯେବେ ସେ ଆସିଲେ ସରକାର, ଯିଏ ଆସିଲେ ସରକାର ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାହେଇଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଓସେପା ଅଫିସ, ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତା ସହିତ ଆମର ଓସେପାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ହେଉଛି, କାଲି ହେଉଛି, ପହରଦିନ ହେଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆମକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ, ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆମର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ 20,000 ପୋଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କୋର୍ଟକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ 20,000 ଆସେଇ ଆସିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି ନ ପୂରଣ ହେବ, ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଠି ରହିବୁ। ଆମର